गाइस आज हम GTA 5 डायमेंशन के तीन सबसे खतरनाक गोडजिलास को ढूंढने वाले हैं। ये तीनों गोडजिला लोस सैंटोस की सबसे खुफिया जगहों पर छुपे हुए हैं। जैसे कि आइस गोडजिला हिमालय के बर्फीले इलाकों में रहता है, तो वहीं पर फायर गोडजिला हमें ज़ॉम्बीज के विलेज में मिलेगा। और आपको तो पता ही होगा कि ज़ॉम्बीज के विलेज में कितने खतरनाक और भयानक ज़ॉम्बीज रहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो ऑलराइट गाइस, अभी आप देख सकते हो हम हिमालय के सबसे ऊंचे पहाड़ों में आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देखो एक बार कितनी ज्यादा बर्फ है। तो हमें पता लगा था कि हमें GTA 5 डायमेंशन के इन्हीं कोऑर्डिनेट्स में आइस गोडजिला मिल सकता है, इसलिए हम यहाँ पर आइस गोडजिला को सबसे पहले ढूंढने के लिए आए थे। और गाइस आइस गोडजिला इतना ज्यादा पावरफुल है ना, मतलब वो गोडजिला यार सिर्फ बर्फ का ही बना है। आप सोच सकते हो कि एक गोडजिला जो सिर्फ बर्फ से ही बना है, हमें यहाँ पर कहीं पर दिख सकता है गोडजिला, हमें यार काफी केयर फुल रहना होगा। इसलिए मैं अपने साथ ये स्नाइपर भी लेकर आया था। अगर मान लो गोडजिला हमारे ऊपर हमला करता है तो हम उसके ऊपर दोबारा से हमला कर सके और यहां से भाग सके। तो चलो यहां पर गोडजिला को सबसे पहले ढूंढते हैं, और आइस गोडजिला यहां पर ही होगा। बस हमें उसकी थोड़ी सी आवाज आ जाए तभी हमें पता लग जाएगा कि आइस गोडजिला इधर किधर ही है। गाइस आवाज आई, मुझे गोडजिला की आवाज आई यहां पर। रुको, यहां पर उतर कर देखते हैं कि यहां पर कुछ है क्या। चलो नीचे की तरफ चलकर देखते हैं, क्या पता हमें यहां पर आइस गोडजिला दिखी जाए। गाइस यहां पर यार बर्फ भी इतनी ज्यादा है ना, मुझे यार काफी संभल कर चलना पड़ रहा है। अगर मैं फिसल गया ना तो नीचे बर्फीले पानी के अंदर जाऊंगा। गाइस यार हमें यहां पर गोडजिला यार अभी तक नहीं मिला। काश, ओ गाइस वो देखो कितना बड़ा है यार ये। ओ भाई साहब, मतलब देखो गाइस कितना ज्यादा नीला है, पूरा आइस गोडजिला भाई कितना बड़ा। अरे 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 यार नीचे नहीं जाना मुझे, कितना बड़ा है गाइस वो आइस गोडजिला देखो एक बार। ओ शिट, कितना ज्यादा खतरनाक है। और गाइस इसकी टेल देखो, ये और भी ज्यादा पावरफुल है। ओ भाई साहब, गाइस हमने आइस गोडजिला को ढूंढ लिया है, चलो दूसरी तरफ चलते हैं। अगर इसने हमें देख लिया ना तो काफी परेशानी खड़ी हो जाएगी। यार यहाँ पर मैं निकलूं कैसे। ओ गाइस वो देखो वहां पर एक और गोडजिला है। ओ भाई साहब, एक इस तरफ और वो देखो एक ऊपर भी है। ओ भाई गाइस यार यहाँ पर कितने बड़े बड़े गोडजिला है, एक तो ये गोडजिला रहा और दो यहाँ पर है। ओ भाई साहब कितने बड़े गोडजिला यार, मैं कहाँ पर जाऊँ। चलो यार पिछली तरफ ही चलते हैं, वहां पर तो दो दो गोडजिला है। अगर किसी ने एक ने भी हमें देख लिया ना तो हमारी खैर नहीं है। जल्दी से यार यहाँ से निकलता हूँ मैं, ऊपर चढ़कर है ना इनकी एक फोटो ले लूंगा ताकि मैं अपने दोस्तों को दिखा सकूँ कि हमने यार आइस गोडजिला को ढूंढ लिया। ओ भाई यार आराम से यार फ्रैंकलिन, यार एक तो यार मैं ट्रैकिंग वाले शूज भी नहीं लेकर आया, अगर मैं ट्रैकिंग वाले शूज लेकर आता ना तो यार इन पहाड़ों पर आसानी से चढ़ जाता। सो ओके गाइस, अभी हम यहाँ पर झाड़ियों के पीछे आ चुके हैं, और यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि इन आइस गोडजिला को हम दिखेंगे, और यहाँ से देखते इनको। ओ भाई साहब देखो कितने ज्यादा खतरनाक है, इसकी टेल गाइस और भी ज्यादा पावरफुल है। और वो वाला क्या कर रहा है वहां पर ऊपर, शायद वो वहां पर ऐसे ही खड़ा है, और नीचे एक उस तरफ भी था ना, चलो वहां पर भी देख। ये रहा गाइस, मुझे लगता है कि ये आइस गोडजिला यहाँ पर पानी पीने के लिए आए होंगे। सो ओके गाइस, हमने गोडजिला को ढूंढ लिया। ओ वो एक गायब हो गया। ओ भाई साहब इनके पास यार काफी ज्यादा चमत्कारी शक्तियां हैं। ओ गाइस वो दूसरा भी गायब हो गया। ओ भाई साहब गाइस, आइस गोडजिला के लिए यार एक बार कमेंट सेक्शन में ओपी लिख दो, कितने ज्यादा ओपी आइस गोडजिला थे ये। सो ओके गाइस, अभी हम आइस गोडजिला को ढूंढ चुके हैं, और अभी बारी है हमारे दूसरे और भी खतरनाक गोडजिला, यानी कि अभी हम ढूंढने के लिए जाने वाले हैं फायर गोडजिला को। और गाइस फायर गोडजिला आइस गोडजिला जितना खतरनाक है भाई। यहाँ पर पुलिस क्यों लगी हुई है यार, इस क्रिमिनल के पीछे गाइस यहाँ पर पुलिस लगी हुई है। चलो दूसरी तरफ से चलते हैं, अगर पुलिस वालों ने हमें देख लिया ना तो यार काफी ज्यादा बड़े पंगे हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो फ्रैंकलिन है वो काफी ज्यादा क्राइम करता रहता है। तो चलो गाइस अभी चलते हैं हमारे फायर गोडजिला को ढूंढने के लिए। और गाइस जो हमारा फायर गोडजिला है ना, वो हमें ज़ॉम्बीज के विलेज में मिलने वाला है, क्योंकि वो फायर गोडजिला इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसने उस विलेज को ज़ॉम्बी विलेज बना दिया है। यहां तक कि वहां पर जितने भी इंसान या फिर जितने भी जानवर रहते हैं सारे के सारे ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। तो चलो गाइस अभी हम जल्दी से ज़ॉम्बी विलेज में चलते हैं ताकि हम वहां के सबसे खतरनाक फायर गोडजिला को भी देख सकें। सो ओके गाइस, अभी हम ज़ॉम्बीज के विलेज में पहुंच चुके हैं, और गाइस ये देखो यहां पर चारों तरफ जिधर भी आप देखोगे ना आपको वहीं पर ज़ॉम्बीज दिखेंगे। यहां पर कोई भी साधारण इंसान तो है ही नहीं, मतलब कि जितने भी लोग यहां पर हैं सारे के सारे ज़ॉम्बीज हैं। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि यहां पर कितने ज्यादा खतरनाक ज़ॉम्बीज हैं। ये देखो गाइस, ये भी एक ज़ॉम्बी है, ये देखो कितनी ज्यादा पावरफुल है,
तेरी तो ऐसी की तैसी। जल्दी से गाइस यहाँ से यार, जल्दी से मुझे निकलना होगा। बस मैं यहाँ पर आपके लिए फायर गॉडज़िला को ढूंढने के लिए आया था, वरना गाइस मैं इस वाले विलेज में कभी आता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला विलेज इतना ज़्यादा खतरनाक है, अगर यहाँ पर हमने थोड़ी सी भी गलती की तो हमारे यहाँ पर जिंदा बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो जल्दी से मुझे यहाँ पर उस फायर गॉडज़िला को ढूंढना होगा, जो कि यहाँ पर यहीं कहीं पहाड़ों के अंदर ही रहता है, क्योंकि वो निचले हिस्से में नहीं रहता है, वो यहीं पर पहाड़ों के अंदर रहता है। ओह शिट यार गाइस, यहाँ पर यार बारिश भी आनी स्टार्ट हो चुकी है, और ये देखो बारिश आने के बाद यार कितने सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पर बाहर निकल चुके हैं, और अगर हम भी इस बारिश में ज़्यादा देर रहे ना तो हमारे भी ज़ॉम्बीज बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलो जल्दी से एक बार उस फायर गॉडज़िला को ढूंढते हैं। मैंने उसके बारे में सुना था कि जो फायर गॉडज़िला है ना, वो यहाँ पर ज़ॉम्बी विलेज के सबसे ऊंचे पहाड़ों में रहता है, तो चलो वहाँ पर चलकर देखते हैं कि वो दिखने में कैसा है। सो गाइस मुझे यहाँ पर यार फायर गॉडज़िला भी दिख चुका है, वो देखो कितना ज़्यादा खतरनाक है। गाइस यार ये तो बिल्कुल यार लावा से बना हुआ लग रहा है, ये देखो भाई साहब, ये तो यार आइस गॉडज़िला से भी कितना खतरनाक है, और इसकी टेल और भी ज़्यादा खतरनाक है। ओ वो देखो गाइस, यहाँ पर यार फायर गॉडज़िला के बच्चे भी हैं। ओ भाई साहब दूर से यार इतने क्लियर नहीं दिख रहे, ये देखो एक तो गाइस यहाँ पर नीचे भी घूम रहा है। ओ भाई एक वो रहा यार, ये देखो यहाँ पर तीन तीन फायर गॉडज़िला घूम रहे हैं, और यहाँ पर यार ये ज़ॉम्बीज हमारे पीछे लग चुके हैं। जल्दी से मुझे यार यहाँ से निकलना होगा, वरना यार ये ज़ॉम्बी मुझे भी एक ज़ॉम्बी बना देंगे। मेरी बाइक कहाँ पर है, मेरी बाइक कहाँ पर है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये ले ये ले ये ले। मुझे गाइस जल्दी से यार ज़्यादा आवाज़ किए बिना यहाँ से निकलना होगा, अगर फायर गॉडज़िला ने मुझे देख लिया तो वो मुझे भी ज़ॉम्बी बना देगा। भाई साहब कितना ही ज़्यादा खतरनाक था, ये देखो गाइस, अब देखो इस गॉडज़िला का लुक भाई साहब। ओ शिट बच गया गाइस, मैं बच गया, वरना अभी नीचे गिर जाता। गाइस ये देखो ये कितना ज्यादा पावरफुल है। ओ भाई साहब फायर गॉडज़िला यार कितना ज्यादा खतरनाक है। गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, आपको कौन सा गॉडज़िला सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है, आइस गॉडज़िला, नॉर्मल गॉडज़िला, या फिर फायर गॉडज़िला। मुझे यहाँ पर जल्दी से यार इस कार को लेना होगा, जल्दी से इस कार में बैठता हूँ, जल्दी से फ्रैंकलिन स्टार्ट कर इस गाड़ी को। गाइस क्या हुआ, ये गाड़ी यार स्टार्ट ही नहीं हो रही। ओ शिट ये सारी गाड़ियाँ खराब है, मुझे यहाँ से पैदल ही निकलना होगा। मेरी बाइक भी पता नहीं यार मैंने कहाँ पर छोड़ दी, और वहाँ पर ज़ॉम्बीज आ चुके थे, इसलिए मैं वहाँ पर वापस जा नहीं सकता था। सो ओके गाइस, अभी हमने फायर गॉडज़िला को भी ढूंढ लिया है, तो अभी हम अपने नेक्स्ट गॉडज़िला को ढूंढने के लिए जाने वाले हैं, जो कि है मेका गॉडज़िला। और गाइस आपको बता दूं कि उस गॉडज़िला को साइंस ने बनाया है, और उसी वजह से उसे मिलिट्री बेस के काफी खुफिया अड्डे के अंदर छुपाया गया है। तो हमारे लिए ये भी एक काफी तगड़े वाला चैलेंज होने वाला है कि हम मेका गॉडज़िला को भी आज ढूंढ पाए। सो गाइस अगर आप भी मेरी तरह जल्दी से मेका गॉडज़िला को देखना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप जैसे वीडियो को लाइक करोगे हमारा फ्रैंकलिन यार इनविजिबल हो जाएगा, और इनविजिबल होने के साथ साथ इसे आर्मी हेडक्वार्टर में कोई भी नहीं देख पाएगा, और जिसकी वजह से हम मेका गॉडज़िला को काफी पास से देख पाएंगे। तो गाइस मैं तीन तक गिनूंगा, तीन तक गिनते ही वीडियो को लाइक कर देना, 3 2 1। सो ओके गाइस अभी हम मिलिट्री बेस के यार खुफिया एरिया में आ चुके हैं, और ये देखो हमारा फ्रैंकलिन इनविजिबल भी हो चुका है, और गाइस खाली हम ही यार इनविजिबल हुए हैं, हमारी गन इनविजिबल नहीं हुई है। तो हमें वहां पर यार मेका गॉडज़िला देखा था, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस कितना बड़ा है ये मेका गॉडज़िला, और गाइस ये दूर से देखने पर नहीं दिखता है, इस मेका गॉडज़िला की यही खासियत है। मतलब देखो अभी इसको जब एक्टिवेट करेंगे ना तो ये मेका गॉडज़िला शहर में कितनी ज़्यादा तबाही मचा सकता है। ये देखो गाइस ये वाला मेका गॉडज़िला, और साथ में यार इसकी कितनी पावरफुल गन्स भी लगा रखी हैं। गाइस अगर ये मेका गॉडज़िला अगर एक्टिवेट हो जाएगा ना तो आप सोच ही सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा बड़ी तबाही मचा सकता है। तो गाइस यार कितना खतरनाक था ये वाला गॉडज़िला। ओह शिट गाइस यार यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, देखो हमारे पीछे यार 5 स्टार लग चुके हैं, मतलब कि किसी ने हमें देख लिया है। जल्दी से इस चोपर में बैठते हैं और यहाँ से गाइस निकल लेते हैं, वरना मिलिट्री बेस वाले यार हमें छोड़ेंगे नहीं। गाइस यहाँ पर आए तो नहीं है ना अभी, जल्दी से इस चोपर को उड़ाता हूँ और यहाँ से गाइस निकल लेते हैं, काफी ज्यादा ही खतरनाक एरिया है। देखो हम है ना इनविजिबल थे, लेकिन फिर भी इन्होंने हमें देख लिया। ओ भाई साहब गाइस ये तो यार हमला करने लग गए हैं, जल्दी से यार यहाँ से निकलना होगा। ओ शिट यार एक गॉडज़िला के चक्कर में हमने हमारी जान को खतरे में डाल दिया, कितने खतरनाक यार वो मार रहे हैं मिसाइल्स। तो गाइस यार फाइनली हम मिलिट्री बेस से आ चुके हैं बाहर, और हमने उनका हेलीकॉप्टर भी अपने साथ ले लिया है, और गाइस ये वाला हेलीकॉप्टर यार देखो बुलेट्स भी मारता है।
भाई साहब कितना खतरनाक हेलीकॉप्टर है यार ये। गाइज मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से इस चोपर से है ना कूद जाता हूँ, वरना मिलिट्री बेस वालों को यार इसके जीपीएस से मेरा पता लग जाएगा। जल्दी से इससे कूदते हैं। और इसमें मैंने एक पैराशूट था वो बांध लिया था, उसको ओपन करते। भाई ये क्या हो रहा है? ओह शिट, ये क्या हो रहा है भाई? सो गाइज यार अभी यार पुलिस से पीछा छुड़ाते छुड़ाते काफी ज्यादा रात हो चुकी है और सारी पुलिस फाइनली हमसे दूर जा भी चुकी है। और गाइज आज की वीडियो काफी ज्यादा एपिक हो चुकी थी क्योंकि आज हमने तीन डिफरेंट टाइप के यार गोडजिला को ढूंढा। और गाइज आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा गोडजिला सबसे ज्यादा पसंद आया। मुझे तो फायर गोडजिला सबसे ज्यादा एपिक लगा था। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही और आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम तीन सबसे खतरनाक किंग कोंग को ढूंढने के लिए जाने वाले हैं और वो वीडियो और भी एपिक होने वाली है। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और जिसने भी अभी तक बेल आइकन को ऑल पे सेट नहीं किया यार जल्दी से वो भी बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।